कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ होगा चेन्नई सुपर किंग्स का अगला मुकाबला। जानेंगे हेड टू हेड रिकॉर्ड्स और साथ में जानेंगे चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11। वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आईपीएल 2023 से जुड़ी हर एक अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चेन्नई सुपर किंग्स का अगला मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ खेला जाना है। ये मुकाबला 14 मई को खेला जाएगा जो कि शाम 7:30 पर शुरू होगा। आपको बता दें ये मुकाबला चेपॉक के मैदान पर खेला जाएगा जो कि चेन्नई सुपर किंग्स का घरेलू मैदान है। अभी तक चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने इस सीजन में जबरदस्त प्रदर्शन किया है। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम पॉइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर मौजूद है और प्लेऑफ में पहुंचने की दहलीज पर खड़ी हुई है। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने इस सीजन में अभी तक खेले गए अपने 12 में से 7 मुकाबलों में जीत हासिल की है। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को प्लेऑफ में पहुंचने के लिए बस एक और जीत की जरूरत है। दूसरी तरफ कोलकाता नाइट राइडर्स की बात करें तो अभी भी कोलकाता की टीम प्लेऑफ की रेस में बनी हुई है। अगर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को प्लेऑफ में पहुंचना है तो बाकी बचे हुए तीनों ही मुकाबलों को जीतना होगा। हम ये कह सकते हैं कि ये मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए एक नॉकआउट मुकाबला होने वाला है। आपको बता दें चेन्नई सुपर किंग्स का पिछला मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ खेला गया। इस मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 167 रन बनाए थे। इस लक्ष्य को दिल्ली कैपिटल्स की टीम हासिल नहीं कर पाई। दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 140 रन ही बनाए। आपको बता दें इस मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने 27 रनों से शानदार जीत हासिल की। इस जीत के साथ ही चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने प्लेऑफ की तरफ एक और कदम बढ़ा दिया है। अब हम यहां पर बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के हेड टू हेड रिकॉर्ड्स के बारे में। अभी तक दोनों ही टीमों के बीच में कुल मिलाकर 28 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जहां पर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने 18 बार तो कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने 9 बार जीत हासिल की है। अब ये मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। खासकर कोलकाता की टीम को इस मुकाबले में किसी भी कीमत पर जीत हासिल करनी होगी। कोलकाता के खिलाफ होने वाले इस मुकाबले में हमें चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11 में कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। अगर हम चेन्नई सुपर किंग्स की संभावित प्लेइंग 11 के ऊपर एक नजर डालें तो ऋतुराज गायकवाड़, डेवन कॉनवे, अजिंक्य रहाणे, मोइन अली, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, महेंद्र सिंह धोनी, दीपक चाहर, तुषारदेश पांडे, महेश तीक्ष्णा और मथीसा पथिराना को मौका मिल सकता है। आपके हिसाब से चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11 में क्या बदलाव होने चाहिए? क्या चेन्नई की टीम आईपीएल 2023 का खिताब जीत पाएगी? आप अपनी राय नीचे कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।